ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम यहाँ पर आईपीसी क्यों, और कल हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था चैप्टर 5 के बारे में, और चैप्टर 5 में जो स्टूडेंट की बात की गई है, इसमें सेक्शन हम 107 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सेक्शन 108, मतलब 107 में बात की गई कि किसी बात का दुष्प्रेरण और फिर दुष्प्रेरक कौन होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए ये सेक्शन 108A, या फिर इसको का भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहे हैं, ये भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि भारत से जो बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण हो सकता है क्या, देखिए ज़रा यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका इलस्ट्रेशन आप समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पर क्लियर कर देंगे। देखिए, का भारत में, खा को जो गोवा में विदेशी है, गोवा पहले विदेश में हुआ करता था ऐसा मान लेते हैं। का भारत में, खा को जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। भले ही वो कहीं पर भी जाए, अगर वो भारत का नागरिक है तो बिल्कुल वो यहाँ पर दोषी माना जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। अगर वो भारत में किया जाता अपराध होता और उसके बाहर भी जा करके वो कर रहा है तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि वो उसने दुष्प्रेरण किया हुआ है। तो सीधी सी आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपराध करे पर उसको दंड कहाँ दिया जाएगा, भारत में। मतलब हमारा व्यक्ति जो है उसको कोई दूसरा नहीं पीटेगा, हम ही पीटेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर वो कुछ मस्ती करता है, कुछ भी गड़बड़ करता है तो हम ही पीटेंगे उसको। तो इस सिद्धांत को लेते हुए आप ऐसा कर सकते हैं, भारत से बाहर और भारत के अंदर किए गए अपराधों के बारे में भी आप ऐसा ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट देखिएगा, सेक्शन 109 पर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। दुष्प्रेरण का दंड कितना होगा, पनिशमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए जहाँ और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। देखिए जरा फिर से समझिए इसको, क्या कह रहे हैं कि दुष्प्रेरण का दंड वहाँ पर, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, कोई जो दुष्प्रेरित कार्य है वो उसके परिणाम स्वरूप कर दिया जाए जब किसी ने किसी को दुष्प्रेरित किया हो, और जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं हो, और ऐसा किया जाए कि उसके लिए कोई पनिशमेंट के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं बनाए गए, तो फिर क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, एक व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया और उसके बाद उसने अपराध भी कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है और कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। देखिए बात की गई कि दुष्प्रेरण के लिए कोई अलग से कोई पनिशमेंट तो दिया नहीं गया, और जब अलग से अगर पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो वो किस पनिशमेंट के लिए दोषी होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर चोरी के लिए कोई दुष्प्रेरित करता है, पर चोरी के लिए जो दंड दिया गया है, चोरी के दुष्प्रेरण के लिए कोई दंड यहाँ पर प्रोविजन्स नहीं किए गए, तो फिर वो किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो उसके लिए कहा कि जो उसने अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया यानी कि चोरी के लिए किया गया, तो उसे चोरी का दंड दिया जाएगा। अगर वो किसी व्यक्ति को हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता और वो व्यक्ति परिणाम स्वरूप हत्या कर देता, तो उस व्यक्ति को हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जाता, या कोई भी अपराध करता तो उसके लिए वो किया जाता। इतनी सी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए अब जरा स्पष्टीकरण पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए स्पष्टीकरण में क्या कह रहे हैं, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया, या तो कोई कार्य किया गया या फिर कोई भी अपराध किया गया, और कैसे किया गया वो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, जो उसने पहले दुष्प्रेरित किया उसके बाद उसने उसको अंजाम दे दिया अपराध को। अब क्या हुआ, तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या फिर उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। तो दुष्प्रेरण के गठन में देखिए एक चीज़ हम लोगों ने कल भी पढ़ी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति भले ही पहले से शुरुआत से सम्मिलित ना हो
लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आने वाला है, रिजल्ट्स आने का मतलब ये है कि फाइनल जब कोई अपराध कथित होने वाला है और उस समय वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो बिल्कुल उसके ऐसे मान लेंगे जैसे वो प्रारंभ से लेके ही आखिर तक षड्यंत्र में शामिल था। तो यहाँ पर क्या करें, या तो कोई दुष्प्रेरण की उकसाहट में कोई कार्य कर दे इसमें, और या फिर उसके षड्यंत्र में के अनुसरण में कोई कार्य कर दे। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण कर दिया है। ठीक, अब उस दुष्प्रेरण के लिए कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा जो उसने अपराध किया है। अगर कोई भी लॉ, मान लीजिए चाहे आईपीसी हो या किसी जो प्रेजेंट में कोई भी कानून जो बनाया गया हो या उसमें लागू कर दिया जाए, कोई व्यक्ति अगर दुष्प्रेरण करता है किसी पर्टिकुलर केस में, कोई अमेंडमेंट करके ऐसा कर दिया जाए किसी सेक्शन में, तो बिल्कुल वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जहाँ पर उपबंध नहीं किया गया, देखिए क्या कह रहा है, जहाँ पर कोई उपबंध नहीं किया गया है वहाँ पर उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उसने अपराध किया है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलिए दृष्टांत में ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये आप का नंबर का दृष्टांत पढ़ना, तो का नंबर के दृष्टांत में ज़रा ध्यान दीजिएगा। का जो एक लोक सेवक है, का नाम के जो खा नाम का जो व्यक्ति है वो एक लोक सेवक है, और खा के पदी कृत्यों के प्रयोग में का पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में का रिश्वत की स्थापना करता है। ध्यान देना, खा के पदी कृत्यों के लिए, खा जो काम कर रहा है उसके कृत्यों को बोला कि मेरे पर कुछ अनुग्रह कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए, और इसके लिए आप एक रिश्वत के लिए क्या कर रहा है, वो अनुग्रह करता है कि प्रस्थापना करता है, प्रपोजल देता है कि हम आपको इतने पैसे या कुछ भी दे देंगे। चलिए आप ज़रा ध्यान दीजिए, खा हुआ है रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है, और खा क्या कर रहा है, उसने रिश्वत ले लिया, तो खा ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर खा ने जो भी अपराध किया हुआ उसे रिश्वत ले लेता है वो, तो यहाँ पर ये सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपराध का दुष्प्रेरण यहाँ पर लागू हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। खा नंबर वाले पॉइंट पर जगह ध्यान दीजिएगा, खा नंबर वाले पॉइंट पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, जगह ध्यान दीजिए। खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है, कौन उकसाता है, का, किसको, खा नाम के व्यक्ति को। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, और क्या कर देता है वो, खा अपराध कर देता है। अब का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे खा है। तो मान लो अगर कोई ये बात सामने ना आती, कोई केस रजिस्टर्ड किया जाता कि साहब जो ए नाम का व्यक्ति है और उसने बी नाम के व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, और बी ने कोई भी काम कर दिया, मान लो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो, ठीक, तो सबसे पहले ए तो बाद में आएगा पिक्चर में, ये अभी है ही नहीं। बी ने जैसे ही हत्या की तो सबसे पहले पुलिस किसको पकड़ेगी, बी को, बी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो अरेस्ट करेगा तो बी क्या कहेगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ पर ए ने कहा था कि अगर तुम इसकी हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, या कुछ भी ऐसा कुछ भी कर देता, बता देता है वो कि इस व्यक्ति ने मुझे भड़काया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो ए को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर ये बात साबित हो जाती कि ए ने बी को दुष्प्रेरित किया है, तो बिल्कुल जिस दंड से बी पनिशमेंट किया जाता है वही दंड से ए को भी पनिशमेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल वैसे जैसे सेक्शन 34 रजिस्टर्ड हो गए कि दोनों ने मिलकर कार्य किया है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, गा नंबर वाले पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 109, और 9 का आप कौन सा इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, सी। सी में देखिए क्या करें, या को विष देने का षड्यंत्र का और खा रचते हैं, या नाम का एक व्यक्ति है और इसको विष देने की बात करते हैं, का नाम का व्यक्ति करता है और दूसरा यहाँ पर खा नाम का व्यक्ति करता है। का उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और खा को इसलिए प्रदत्त करता है कि वह उसे या को दे। ठीक है, खा उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष का के अनुपस्थिति में या को देता है, का नहीं है वहाँ पर फिर भी उसको दे देता है, देखिए, और उसके द्वारा या की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ खा हत्या का दोषी है, यहाँ पर खा तो हत्या का दोषी हो गया डायरेक्ट, पर का षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, तो वह और वह हत्या के दंड से दंडनीय है, कौन दंडनीय है, का, क्योंकि पूरा जो खेल था यहाँ पर का ने भी साथ में सहयोग किया, भले ही वो समय सामने सम्मिलित नहीं था लेकिन उसने बैकग्राउंड में रहते हुए वो काम किया। तो यहाँ पर जो या की हत्या की गई थी इसके अकॉर्डिंग का और खाने दोनों ने रचा हुआ षड्यंत्र,
और षड्यंत्र के अनुसरण में का उस समय अनुपस्थित रहता है और खा यहाँ पर उसको विष देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाए तो इस कंडीशन में आप मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो का नाम का जो व्यक्ति था ये भी पनिशमेंट का उतना ही दोषी है जितना खा है। क्लियर हो गया सभी को? चलो सेक्शन नंबर 110 पर जरा ध्यान देते हैं, 110 पे जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। भाई किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया कि चलो तुम उसके सर में डंडा मार के आना, और उसने डंडा की जगह कुछ सरिया मार दिया सर में, तो क्या किया, भिन्न आशय से कार्य कर दिया। उसने कहा जेड को मारना और वो डब्लू को मार जाता। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता तो देखिए जरा उस सिचुएशन में क्या होगी। यहाँ पर जो कोई किसी अपराध के लिए अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, किसी अपराध के लिए यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरण के आशय व ज्ञान से भिन्न, जो दुष्प्रेरक था उसका जो इंटेंशन था उसका जो ज्ञान था उस आशय से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता, तो देखिए कौन से अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, उसी दंड के लिए जिसके लिए उसने उसको दुष्प्रेरित किया था, पर उसने कुछ और कर दिया तो उतने ही कार्य के लिए किया जाएगा। जैसे उसने कहा किसी व्यक्ति को कि तुम चलो इसकी हत्या कर दो, पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हत्या नहीं करता, उसको बस एक लात या एक घूंसा मार करके वापस चला आता है। तो जिसने मारा उसने तो 323 का रजिस्टर्ड किया, जब बाद में बात पता चली किस व्यक्ति ने तो इसकी हत्या करने के लिए भेजा था, तो यहाँ पर केस 307 का रजिस्टर्ड इसके ऊपर किया जा सकता है, ये जो दुष्प्रेरित व्यक्ति था। हाँ कभी कभी सिचुएशन उलट भी हो सकती है, उलट समझिए, देखिए कैसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है और यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय ज्ञान से भिन्न आशय ज्ञान से वह कार्य किया है, वो अपने मन से कोई कार्य कर देता है ना कि वो दुष्प्रेरित व्यक्ति के आशय ज्ञान से करता है, तब वहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ पर ये व्यक्ति बोलता कि केवल डंडा मारना और उसने डंडा ना मार करके सीधे हत्या कर दी, अब क्या होगा, तो क्या ये जो दुष्प्रेरक व्यक्ति क्या ये हत्या के लिए दोषी माना जाएगा, नहीं, इसने कहा था केवल एक डंडा मार के लौट के आना, केवल इतना सा दुष्प्रेरण किया था उसने, तो इसको कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए, केवल डंडा मारने का। हत्या के लिए किसको मिलेगा, जिसने वो कार्य को अंजाम दिया है। ठीक है, इतना इतनी सी बात क्लियर हुई सभी को। हेलो हेलो गाइस, नहीं हुई क्लियर है, चलो तो ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 111 में, जरा ध्यान दीजिएगा 111 को जरा देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दुष्प्रेरक का दायित्व जब कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, तो देखिए जरा कार्य का दुष्प्रेरण भी किया गया और उससे भिन्न कार्य भी किया गया। देखो जरा क्या कह रहे हैं, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्वहीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। देखो अगर एक कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया कि केवल इसकी डेथ करना और साथ में चोरी भी कर ले जाए, तो चोरी के लिए भी वो उसको उसमें पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जरा यहाँ पर परंतुक की हम बात ध्यान देते हैं, परंतुक में क्या लिखा हुआ, परंतुक के लिए देखिए ये जो परंतुक आप पढ़ रहे हैं इसके लिए देख लेते हैं, देखिए जरा क्या कह रहे हैं, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उपसायित के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। तो देखिए सबसे पहले उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिससे वो दुष्प्रेरण गठित होता हो, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। देखिए इसका इलस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, का एक शिशु या से भोजन में विष डालने के लिए का को उकसाता है। देखना जरा ध्यान देना, एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है, ध्यान दीजिए, या के भोजन में विष डालने के लिए किसको उकसाता है, का।
किसको, एक शिशु को, शिशु का नाम कुछ भी रख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी आप रखो, डब्ल्यू रख लो चलो, ठीक है। डब्ल्यू नाम का शिशु है और या नाम का एक व्यक्ति है, उसके उसमें विष मिलाने के लिए, उसके खाने में विष मिलाने के लिए का नाम का व्यक्ति कहता है कि इसको मैं विष डाल दो। अब यहाँ पे क्या होगा, और उस प्रयोजन से उसे विष प्रदत्त कर देता है, उसे विष दे देता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से माँ के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ था विष डाल देता है। ध्यान देना, यहाँ पर जो बात की गई थी, शिशु को समझाया गया था कि या के भोजन में डालना है, किसने समझाया था, कान है, विष भी किसी ने दिया, कान है, और वो गलती से माँ के भोजन में डाल देता है। अब क्या हुआ, जो या के भोजन के पास रखा हुआ था, यहाँ यदि वह शिशु का के उकसाने के असर के अधीन उसी उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का आदि संभाव्य परिणाम है, तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है। मानो उसने उस शिशु को माँ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। ये बात समझ में आई, सुनिए जरा, देखो अगर नहीं आई है तो मैं इसके इलस्ट्रेशन से बताता हूँ आपको, देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। कि कोई व्यक्ति है जो ए नाम का एक व्यक्ति है, जिसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, और इसने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम नाम जेड रख लेते हैं या डब्ल्यू रख लो, जो भी आप सुन, चलो डब्ल्यू रख लीजिए या जेड रख लीजिए, ये एक चाइल्ड हो गया, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। और उसने क्या कहा, या का मतलब यहाँ पर हम बाइक से ले लेते हैं, ए जो व्यक्ति है ना वो बाइक के खाने में जहर मिलाना चाहता है, जिसके लिए उसने क्या किया, ये जो जेड नाम का व्यक्ति था, जो डब्ल्यू नाम का व्यक्ति है, इसको समझाया कि तुम एक काम करो, ये बाई के खाने में विष मिला दो, और ये इसको विष दे देता है। और डब्ल्यू क्या करता है, जो बच्चा है वो तो उसको नहीं समझ में आया, उसने यहाँ पर जो एक्स नाम का व्यक्ति का भी खाना पास में ही रखा हुआ था और बाई का भी रखा हुआ था, दोनों का एक साथ एक जगह पर रखा हुआ था। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ये जो एक्स है, एक्स के उसमें भोजन में वो मिला देता है जहर, तो एक क्या लाइबल होगा इसको मारने के लिए, एक की डेथ या एक्स की डेथ हो जाए तो बिल्कुल यहाँ पर ये वैसे ही रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे उसने डायरेक्ट एक्स के उसमें भोजन में जहर मिलवाया, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। डेथ चाहे इसकी होती तो भी उसके लिए पनिशमेंट मिलता, अगर इसकी भी होगी तो भी इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। इतना सा ये इलस्ट्रेशन की बात कर रहा है, चलिए क्लियर हो गया गाइस, इतना सभी को थोड़ा सा बता दिया करो, यस सर। बता रितु बेटा और यस कौन सर कौन है, क्यों नहीं बताते हो, समझ में नहीं आया, NSY समझ में नहीं आया, आदित्य आदित्य तो गायब हो गया लग रहा है, चलो SMS मैडम, ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर खा नंबर के इलस्ट्रेशन पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए खा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, देखिए इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। खा को या का गृह जलाने के लिए का उकसाता है, कौन उकसाता है, खा नाम के व्यक्ति को या का गृह जलाने के लिए का नाम का व्यक्ति उकसाता है, और ध्यान दीजिए खा उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है, आग लगाई और फिर संपत्ति की चोरी भी की। का यद भी ग्रह को जलाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस ग्रह को जलाने का आदि संभव परिणाम नहीं थी। तो दोनों को ये जो इलस्ट्रेशन है आप ऐसे रखिए, देखिए ऐसे सीधे सीधे ये आते हैं, और जनरली इसमें यहाँ पर जो इसका परिणाम है ये आपको पता होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या था, का दोषी है लेकिन चोरी के रेस्टोरेंट का दोषी नहीं है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ये जो बात की गई है ये इसके लिए ये एग्जाम में आए तो यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट गा नंबर वाले पॉइंट्स पर हम लोग जरा ध्यान देते हैं।
111 का आप लास्ट स्टेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या कह रहे हैं। खा और गा को बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का को उकसाता है। देखो जरा, खा और गा को बसे ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए कौन उकसाता है? का नाम का। देखिए जितने भी इलस्ट्रेशन दिए इसमें कॉमन बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरली जो हमने देखा है, का नाम का एक व्यक्ति है। देखिए पूरे इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे, आंकड़ा हंसने का नहीं है, जरा ध्यान देना, का नाम का व्यक्ति है, ये हमेशा बदमाश व्यक्ति माना जा रहा है जो सीधे सीधे से खा नाम के व्यक्ति को उकसा देता है और जो नुकसान होता है। और ये खा नाम का व्यक्ति भी क्या करता है, जनरली कभी कभी ये गा को भी साथ में ले लेता है। तो ये सब तीनों एक ही कैटेगरी के लोग हो गए, और जो हमेशा पिटता है वो एक ही व्यक्ति है, बताओ कौन सा है? या नाम का व्यक्ति। तो इलस्ट्रेशन में जहाँ तुम्हें ऐसी चीज़ें कभी कभी घुमा के पूछ लेते ना ऐसी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि जो का नाम का व्यक्ति है ये खा को उकसाता है, ये खुद काम नहीं करता हमेशा, ये खुद काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खा नाम के व्यक्ति से काम करवाने की कोशिश करता है, गा को शामिल करने की कोशिश करता है। और फिरता कौन है? या मरता कौन है? या ठीक, पनिशमेंट किसको मिलेगी? हमेशा खा को, खा को मिलेगी, लेकिन का को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो काम मैन, जो मैन है, माइंड जो काम चला रहा है वो चला रहा है का। यहाँ पे जितने भी अभी तक आपने इलस्ट्रेशन पढ़े सब में इसमें एक कॉमन बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इलस्ट्रेशन आपको आसानी से समझ जाएंगे, जहाँ कहीं भी आपको टिपिकल लगते हैं अकेले पढ़ने में वहाँ पर, उसके लिए बता रहा हूँ। पर ये कोई लॉजिक नहीं है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब खा और गा को बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है, कौन उकसाता है यहाँ पे? का नाम का व्यक्ति। किस किस को उकसाता है? खा और गा को, खा नाम के व्यक्ति को और गा नाम के व्यक्ति को, जरा ध्यान दीजिए। और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है, आयुध मतलब हथियार उपलब्ध कराता है। खा और गा वह गृह वेदन करते हैं, गृह वेदन मतलब घर में अंदर एंट्री कर लेते हैं। और या द्वारा जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। देखो आ गया, और यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का भी संभव परिणाम थी तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय। देखिए जरा यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी जो मैंने आपको जस्ट बताई थी, देखो उकसाया किसने? का और खा ने। काम किसने किया? किसको उकसाया? काम किसने किया? खा और गा ने। ठीक, मरा कौन? या नाम का व्यक्ति। पनिशमेंट किसको मिला? का को। आप इसको जरा पूरा समझ लीजिए, देखिए जरा क्या कह रहा है। हाँ जी, चलिए गा का इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 112, आवाज आ रही है? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। आप भी हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 112 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ध्यान दीजिएगा 112 में क्या बात की गई, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय। आकलित का मतलब समझते हो ना, ऐसे लंपसम जो दिया जाता है उस कोई भी पनिशमेंट, कि इतना किया होगा और ऐसे कुछ किया जा सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, कैसे दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई शुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय नहीं है। क्योंकि दुष्प्रेरक, देखिए अगर कोई दुष्प्रेरक है और उसने कहा कि किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया और उससे दूसरा अपराध कोई व्यक्ति करता है, तो क्या वो उसके लिए दंडित किया जाएगा? इसका देखिए हम इलस्ट्रेशन में देखेंगे, तो यहाँ पर बात करें कि दंडित नहीं किया जाएगा। और इसका इलस्ट्रेशन एक बार देखिए, फिर हम इसको पूरा क्लियर करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का उकसाता है, कौन उकसाता है? का। किसको उकसाता है? खा को। और किस
किसके लिए? एक लोक सेवक कोई व्यक्ति है, कोई भी सरकार का कर्मचारी जिसको हम लोक सेवक कह सकते हैं, और उसकी डेफिनेशन में आता हूँ। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा उसमें दिया है? सेक्शन 21 में, इसी में दिया है ना लोक सेवक। पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया है पता है? यस सर, ट्वेंटी वन में यहाँ पर दिया गया सेक्शन में। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लोक सेवक कोई भी व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को ऐसे करने के लिए किया जाता है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, का नाम के व्यक्ति ने उकसाया, किसको उकसाया? खा नाम के व्यक्ति को। आप जरा ध्यान दीजिए, खा परिणाम स्वरूप उस कर्मस्थम का प्रतिरोध करता है, हाँ उसके परिणाम स्वरूप का कर्मस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में खा कर्मस्थम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है। कैसी उपाधि कर दी उसने? स्वेच्छा घोर उपाधि कारित कर दी। ये कौन सा सेक्शन है? आगे आने वाले में हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, 320 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और 325 में इसका पनिशमेंट दिया गया, यही बात की गई ना। ऑलरेडी आपको पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि स्वेच्छा उपाधि क्या होती है, स्वेच्छा घोर उपाधि क्या होती है। 319 में अगर आप देखेंगे तो सिंपल हर्ट की बात की गई है, जिसका पनिशमेंट 323 में दिया जाता है। ठीक है, ये केस रजिस्टर्ड होते हैं जनरली। आईपीसी में जितने भी सेक्शन हैं वो कौन से रजिस्टर्ड होंगे? जो दंड वाली धाराएं हैं जिसमें पनिशमेंट दिया गया, केवल वही धाराएं वहां पर लगाई जाती हैं। जैसे 325 रजिस्टर्ड हुआ, इसका मतलब है कि 320 में जो ऑफेंस थे वो उनमें से कोई एक किया होगा, इसलिए 325 रजिस्टर्ड किया गया। 323 का मतलब है कि 319 में जो अपराध किए गए इसलिए वो किया गया। अब जैसे देखिए धारा 300 में जो अपराध किया जाए जिसको हम हत्या बोलते हैं, इसका पनिशमेंट कहाँ दिया जाता है? 302 में। तो ये जो सेक्शन कौन से रजिस्टर्ड किए जाते हैं आईपीसी के, वो सेक्शन जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, डेफिनेशन वाले नहीं लगाए जाते हैं। तो आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिया है? स्वेच्छा घोर उपाधि कारित कर दी गई। अब क्या हुआ, खा ने कर्मस्थम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने के दो अपराध किए, एक तो प्रतिरोध किया, दूसरा स्वेच्छा घोर उपाधि भी कारित कर दी। तो इसलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है, और यदि खा यह संभव जानता था कि उस कर्मस्थम का प्रतिरोध करने में खा स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करेगा, तो का भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा, और अगर वो इसका परिणाम नहीं समझ पा रहा था तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझिएगा कैसे। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, और कोई भी लोक सेवक है जेड, और वो किसको पकड़ना चाह रहा है? बी को। चलो ध्यान दीजिए, ये जेड नाम का व्यक्ति, मान लो कोई इसको पुलिस ऑफिसर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये किसको पकड़ना चाह रहे हैं? बी को। आप बी को क्या किया, ए ने पहले से ही बी को उकसा दिया, तो मैं काम करना, सुनो जेड पकड़े अकेला ही तो आएगा, तो उसको रोक देना, और वैसे भी तुम्हारी हेल्थ तो अच्छी है, तुम पहलवान रहे हो, तो क्या एक पुलिस वाला क्या कर लेंगे? अगर मान लो ऐसा कर दिया उसने, तो ये क्या कर रहा है? दुष्प्रेरित कर रहा है। अब जैसे ही उसने दुष्प्रेरित किया, तो पहले तो उसने पुलिस को रोकने की कोशिश की, किसने? बी ने। और बी ने रोकने में क्या हुआ, पुलिस स्वाभाविक अपना बल प्रयोग करने की कोशिश करेंगी, जब ये बल प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक है कि जेड भी अपना बल प्रयोग करेगा। तो अब जैसे ही जेड ने बल प्रयोग करने की कोशिश की, बी ने उसको घोर उपाधि कर दी। अब यहाँ 325 का केस इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो गया, बी के ऊपर। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा यहाँ पर जो ये प्रतिरोध करने के लिए है, लोक सेवक को रोकने के लिए, वो सेक्शन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो क्या ए को भी 325 के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा कि केवल यहाँ प्रतिरोध करने के लिए? तो सीधी सी बात ये की गई कि अगर ए नाम के व्यक्ति को ये परिणाम पता हो कि जो बी नाम का व्यक्ति है, अगर इसे जेड नाम का व्यक्ति पकड़ेगा, जेड नाम का जो पुलिस ऑफिसर है वो पकड़ेगा, तो बी स्वाभाविक है कि यहाँ पर घोर उपाधि कर सकता है। अगर इसको परिणाम पता है तो ए को दोनों पनिशमेंट मिलने चाहिए, एक तो कौन सा? स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने वाला, और दूसरा जो उसने प्रतिरोध किया है वो। तो दोनों के लिए इसको भी पनिशमेंट मिलेगा और इसको भी मिलेगा। और अगर इसका परिणाम ए नहीं जानता, ए ने कहा सुनो एक काम करना, ए नाम का व्यक्ति है और उसने बी को थोड़ा सा ही वो किया दुष्प्रयोग, कि एक काम करो जो सी है ना, बस सी को तो मैं थोड़ा सा डांटना है वहाँ पर। अब डांटने में क्या किया, बी गया सी को डांटने, और डांटने में गया तो आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई। यहाँ उम्मीद केवल ये नहीं थी, केवल ये था कि इसको डांट देना। अब बी ने क्या किया, जैसे सी को डांटा, सी ने रिवर्ट किया
और बी और सी में जबरदस्त लड़ाई हो गई। और जबरदस्त लड़ाई हो गई इसके परिणाम स्वरूप अगर यहाँ हत्या हो जाती है या घोरोपति हो जाती है, यहाँ पर ऐसा कोई भी अपराध हो जाता है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति अब जिम्मेदार नहीं होगा। ए एक इसके लिए केवल डांटने की बात की गई थी, अब इसमें उसने हत्या घोरोपति इतने सारे जो परिणाम आगे कर दिए, इसके लिए ए को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, ये तो कंसेप्ट की बात हो गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन अगर हम 112 की अगर बात करें, ये इलस्ट्रेशन अगर आपको दिखाई दे तो इसका जो परिणाम है, परिणाम ज़रा ध्यान दीजिएगा, परिणाम में क्या दिया गया है यहाँ पर, ये वाला परिणाम, ये उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। तो हमें ये लाइन सर्च करनी होगी, यहाँ से सीधा सीधा सा ये जो क्वेश्चन बनेगा ये आपको एग्जाम में पास आउट करवाएगा। लेकिन जब कंसेप्ट की बात हो, क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अगर उसमें ऐसा लिखा है तो आपको ऐसे ही बोलना है, इसमें यहाँ पर अपना माइंड अप्लाई नहीं करना आपको। अगर आपने अपना माइंड अप्लाई किया तो स्वाभाविक जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे बनाए जाते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, और जैसे ही आप कन्फ्यूज़ हुए आप क्वेश्चन गलत कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या है, पैंक जो आपका टिक लगाने का है उसमें एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट हैं, और थोड़ा सा इधर या इधर हुआ, बस इसी पे आपका सिलेक्शन का खेल है। तो हमें यहाँ पर ये इस लाइन को ध्यान में रखते हुए काम करना, जो ये लाइन आपको दिख रही है, अगर ये लाइन इसमें दिखती है तो बिल्कुल आपको इसी पर ही टिक करना है। ठीक, ये इलस्ट्रेशन अगर दिखे तो इस बात का ध्यान रखना आपको। बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होती है लेकिन कई बार उनके एग्ज़ाम नहीं निकलते, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बार बार आपको ना प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ के लिए, कि आपको बार बार क्वेश्चन आंसर लगाने, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो। और कई बार तो अगर 60% 70% या 80% आपके लगाए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए तो सीधे सीधे से आपका प्री एग्जाम से डायरेक्ट निकल जाता है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, दुष्प्रेरित कार्य से कार्य उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो, इसके दुष्प्रेरक से भिन्न हो। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हेलो आवाज़ आ रही क्या आपको? यस सर आ रही है ना, आगे कंटिन्यू करें, थक जाओ तो बता देना जब थक जाओ तो। ठीक है, चले जाओ, ध्यान दीजिए। सेक्शन हम 113 पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 113 को एक बार देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। दुष्प्रेरित कार्य से कार्य तो उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। जब कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, ध्यान दीजिए, जब कोई कार्य, यहाँ कार्य की बात करें, दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो। परंतु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभव है। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने केवल ये कहा हो कि इसको केवल इतना सा ही काम करना, थोड़ा सा, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के कोई दूसरा नुकसान भी हो सकता है। जैसे उसने कहा तुम एक काम करो, सुनो घर है ना, घर के बाहर ना आग लगा दो, जान लीजिए घर के बाहर आग लगाना है बस, तो घर के बाहर तो आग लगाओगे, लेकिन घर के बाहर संभव है कि जब गर्मियां हो तो घर के बाहर की जो आग है ना वो घर के अंदर भी जा सकती है, ये संभव हो सकता है। अब यहाँ पर ए ने दुष्प्रयोग किया घर के बाहर आग लगाने के लिए, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसका घर भी जल गया, और घर के जलने से कई लोगों की डेथ भी हो गई। तो यहाँ पर जो ये कई लोगों की जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है, इस मृत्यु का परिणाम जो यहाँ पर था, तो कौन था, ए नाम का व्यक्ति जानता था कि ऐसा संभव हो सकता है, तो यहाँ पर ए को इसके लिए भी पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक, यही बात ये बोल रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान समझिएगा क्या कहा, कि दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो। दुष्प्रेरक ने आश्रित से भिन्न को ही कार्य कर दिया है, उसने कहा कि घर के बाहर थोड़ी सी लगाना, उसने थोड़ी सी और लगा दी ज़्यादा, जब ज़्यादा लगा दी तो उसका जो परिणाम होगा उसके लिए भी इसको बुक किया जा सकता है। तो क्या है, जैसे आग लगाना था या कोई भी ऐसा काम करना था कि सुनो जाके केवल एक चांटा ही मारना, अगर उसने एक चांटा मारा
और चांटे के बाद में थोड़ी सी बात बढ़ गई तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो फिर उठा पटक हो गई, उठा पटक हो गई तो फिर डंडे से मार पटाई हो गई, गोली चल गई। तो इसका जो परिणाम था कि इस व्यक्ति को मैं वहाँ जा रहा हूँ, स्वाभाविक है कि उनके पास बंदूकें भी हैं, डंडे भी होंगे, तो मारपिटाई हो सकती है और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। अगर कोई ये संभव है तो उस व्यक्ति को उस परिणाम के लिए भी पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए या को घोरोपति कारित करने के लिए खा को का उकसाता है, किसको? या पिटने वाला व्यक्ति है, खा को उकसाया जाता है, किसके द्वारा? का के द्वारा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को घोरोपति कारित करता है, खा उकसाहट के परिणाम स्वरूप किसको? या को घोरोपति कारित कर देता है। परिणाम स्वरूप, परिणाम था या की मृत्यु हो जाती है और या की डेथ भी हो जाती है। तो उस कंडीशन, यहाँ यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेत घोरोपति से मृत्यु कारित होना संभव है तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। बात ये क्लियर हो गई यहाँ पर? अगर उसे लग रहा था कि इतनी मार पिटाई से घोरोपति करने से उसकी डेथ हो सकती है तो डेथ के लिए भी ये को पनिशमेंट दिया जा सकता है। क्लियर हो गया गाइस इतना सा? यस सर, यस सर, ठीक है, अगला सेक्शन की तरफ हम लोग चलें। चलिएगा, ध्यान यस दीजिए, सर, नेक्स्ट सेक्शन 414 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए 414 पर जरा ध्यान दीजिएगा, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, क्या दुष्प्रेरक को उपस्थित होना कंपलसरी है या नहीं है? जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है तो उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित ना हो लेकिन उसके दुष्प्रेरण के अनुरूप कार्य किया जा रहा है तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व है जैसे कि वो प्रेजेंट था वहाँ। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, अनुपस्थित है लेकिन फिर भी दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है तो क्या कहेंगे? उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य अपराध किया जाए, कैसे दंडनीय होगा? उस समय जैसे वो प्रेजेंट हो कि जब वो कार्य की अपराध किया जा रहा है जिसके लिए दुष्प्रेरण, जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया है। देखिए माइंड उसने अप्लाई करके कहीं दूसरी जगह चला गया, छुप गया या अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर फिर भी हम उसे मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने ही इस अपराध में सहभागीदारी उसकी रही है। चलिए सेक्शन 115 पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दुष्प्रेरण करता है जिससे कि मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडनीय कोई अपराध है जिससे ये पनिशमेंट दिया जा सकता है तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यदि अपराध नहीं किया जाता और वहाँ पर अपराध नहीं किया जाता है तो क्या होगा? देखिए जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, उसने दुष्प्रेरण किया, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और कोई अपराध नहीं करता है तो क्या होगा? और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में नहीं किया गया और कोई भी उपबंध भी नहीं किया गया अलग से ऐसा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो बात की है इन्होंने। पहली बात कौन सी कर रहे हैं? देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है और कैसा अपराध है, अपराध करने के लिए वो दुष्प्रेरित करता है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध हो, ऐसे किसी के लिए कुछ दुष्प्रेरण कर देता है और वो व्यक्ति इतना समझदार होता कि वो अपराध नहीं करता है तो फिर वहाँ पर क्या? तो कह रहे हैं कि अगर उस दुष्प्रेरण के लिए कोई अपराध संहिता में कहीं दिया गया तो उससे होगा और अगर नहीं दिया गया है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये सेक्शन 115 में कहा गया। क्लियर हो गया गाइस इतना इसको? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है, देखो दो कंडीशन हो गए, पहले तो वो कि जब अपराध नहीं किया जाता तब कितना होगा, तब तो केवल इतनी सी बात की गई कि भाई इसे वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब अगर यहाँ पर अपराध कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यदि
और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर अपराध कर दिया जाता है तो जस्ट डबल हो गया और नहीं करता तो उससे आधा हो गया। ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं सेक्शन 115 का। अगर अपराध किया जाए तो 14 ईयर्स और अपराध अगर नहीं किया जाए तो फिर 7 ईयर्स का पनिशमेंट दिया जा सकता है और जुर्माना दोनों में। क्लियर हो गया ये गाइस? चलिए ज़रा ध्यान दीजिए इसका इलस्ट्रेशन पर, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन में क्या करें। देखिए इलस्ट्रेशन जब आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये खा को या की हत्या करने के लिए का उकसाता है। खा नाम के व्यक्ति को या की हत्या करनी है, का नाम का व्यक्ति उकसाता है और वह अपराध नहीं किया जाता। यदि या की हत्या खा कर देता तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से जिसकी अभी 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या को कोई उपपत्ति हो जाती है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। यहाँ देखिए अगर वो अपराध नहीं करता तो केवल 7 वर्ष तक के लिए, और अपराध अगर कारित कर दिया जाता है तो 14 वर्ष तक की उसको भी सजा हो सकती है। किसको? दुष्प्रेरक को। बी को तो होगी होगी। अगर बी ने यहाँ पर या की हत्या कर दी है, खाने अगर या की हत्या कर दी है तो इसको तो आजीवन कारावास वो हो सकता है, लेकिन जो दुष्प्रेरक था का इसको कितनी हो सकती है अगर इसने अपराध कर दिया तो 14 वर्ष तक की। ठीक, और कैसे होगा? जुर्माना भी। और अगर ये खा अपराध नहीं करता है तो कितने दिन का होगा? 7 वर्ष तक का, और साथ में जुर्माना भी। ठीक है, अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 116 पर, बस थोड़ा सा 120 तक है, छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज हैं। क्या हुआ, टेंशन है क्या? हेलो, यस सर। हाँ, पढ़ना है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आज के लिए। भाई तो सर मना कर रहा है, मुझे तो क्या कह रहे हैं नवनीत जी? आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो फिर कल की, एक सेकंड रुकिएगा, कल के लिए हम लोग क्या करेंगे?